लेकिन हमारी कोशिश है जिस तरह पहले हम अपनी आवाज़ आपके ज़रिए आवाम तक पहुंचाते थे, आज भी हमारी कोशिश ये है कि असल हकायक आप हजरात के सामने रखे जाएं। पहली बात तो ये है कि मुत्तहिदा अपोजिशन ने इस बजट को आवाम दुश्मन बजट करार दे के मुस्तरद कर दिया। आपने हमारे साथियों के तकारीर सुने होंगे, सब ने बयक ज़ुबान इसको आवाम दुश्मन बजट करार दिया। उसकी वजह बुनियादी क्या है कि बजट के दो हिस्से होते हैं, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट बजट। नॉन डेवलपमेंट बजट अगर आप देखेंगे, अगर तनख्वाहें निकालें भी अरबों रुपए नॉन डेवलपमेंट बजट में हैं, और उसका नज़रिया ये होता है कि वो आवाम की माशरती फलाह पे वो रकम खर्च की जाती है, उनकी जान माल के तहफ़ुज़ को यकीनी बनाया जाता है, उनके लिए वो इक़दामात किए जाते हैं जिससे वो सहूलत के साथ और सकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन इस पूरी पी एस डी पी को आप मुलाहिज़ा फरमाएं, बजट को जो इंटरफेरेंस जिसका हम दो साल से रोना रो रहे हैं और जिसके लिए अब हम मजबूरन हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, ये गवर्नमेंट के एक्सचेकर पर गवर्नमेंट के ख़जाने के पैसों से अपनी पार्टी के लोगों को ओब्लाइज भी कर रहे हैं, उनको प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। इस हुकूमत से किस नेकी का तवक्को है, किस अच्छाई का तवक्को है, कुछ भी नहीं है। अब मैं ज़रा सीएम साहब ने अपनी तकरीर में एजुकेशन पे इन्होंने बड़ा ज़ोर लगाया, हमारे साथी तो हर जगह मज़लूम है। मैं अपने हलके की बात करता हूँ कि मैंने नवाकिली में बॉयज़ कॉलेज गर्ल्स कॉलेज 1.5 लाख से उसकी आबादी ज़्यादा है। मेरे ख़्याल में उसने ये भी बाद में पेशकश की, अगर मौका दिया जाए तो मैं 1 घंटा और भी बोल सकता हूँ। बिल्कुल, हमने इनके बारे में सुना है, वो 1 घंटा क्या 4 घंटे भी बोल सकता है। और ख़ासकर उनके सेक्रेटरी हजरात जब हमेशा हम उनसे मिलते हैं, वो कहते हैं कि 5-5 घंटे तो हमारे साथ बिठा कर गप्पे भी लगाता है। ये बलूचिस्तान की हुकूमत है। और सिर्फ छोटी सी मिसाल हम आपको दे देते हैं, वो हमेशा अपनी तकरीर में कहता था कि बलूचिस्तान के आवाम को गवाह बनाएंगे कि हमने क्या किया है। हम कहते हैं कि आप लसबेला से शुरू करें। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पे मैं एक देख रहा था कि जाम गुलाम कादिर हॉस्पिटल जो हब के अंदर है, उसको शायद कोई मीडिया की कोई वो थी, वो उसकी तस्वीर बना रही थी और हर वार्ड और हर जगह का वहाँ पे विज़िट कर रहा था, दिखा रहा था। मेरे ख़्याल में जितने भी कमरे मैंने देखी वो अक्सर उन पे ताले लगे थे, बंद पड़े थे, और कुछ कमरे अगर खुले हुए थे तो उसके अंदर मकड़ियों की जो जाले नज़र आ रही थी, वो इससे इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक इस सूबे में जो ज़मीन पर अगर आप तरक्याती काम में देख सकते हैं, वो उस उधर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 10 अरब रुपए सिर्फ लसबेला पे गुज़िश्ते हमारी जो PHDP है उस पर रखे गए थे। मैं कहता हूँ, पेशकश करता हूँ, हम भी इस मीडिया के थ्रू जाम साहब को हम ये पेशकश करते हैं कि बनाए एक कमीशन, उसमें अपोजिशन से कुछ दोस्त डालें, उसमें हुकूमत के सारे उजरा को डाल दें, उसमें यहाँ पे बैठे हुए आप मीडिया के दोस्तों को ले लें, हम वहाँ से शुरू करते आगे आते हैं। आपने अरबों रुपये जो है हेल्थ सेक्टर पर आपने खर्च किए हैं, और ख़ासकर हर बात पे आप COVID-19 का मिसाल देकर, अगर ये नहीं होता तो बलूचिस्तान के अंदर फिर ज़मीन व आसमान की कलाबें हम मिला लेते थे। चलो, ये COVID-19 के 3
महीने को आप अलहदा रखते हैं, उससे पहले आपकी पोजीशन हम वाजा करते हैं। क्वेटा के अंदर इस वक्त 350 से ज़्यादा ऐसे ट्यूबवेल है कि गुज़िश्ते दौर हुकूमत में जो लगाए गए हैं, या उनकी ट्रांसफार्मर का मसला है या उनकी छोटी सी बिजली का मसला है। इस वक्त क्वेटा के 80% आवाम टैंकर माफिया के रहम करम पर है, और इस गवर्नमेंट के होते हुए ख़ासकर अरबों रुपए PHE और वासा पे हम खर्च तो कर रहे हैं। इस वक्त इसके अपने सैकड़ों ऐसे ट्यूबवेल है जो ख़राब पड़े हुए हैं। ये बजट मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी और गैर आइनी है। जिस बजट का 20% खसारे का बजट हो, वो बजट मैनुअल की सरियन खिलाफ वर्जी है। आपने देखा पिछले साल 47 अरब रुपए खसारे का बजट था 2019 और 20, और अभी 2020-21 का 88 अरब रुपए तकरीबन ये बजट खसारे का। अभी आप खुद सोच ले कि इनका मजमूई बजट 400 कितने अरब, और इसका डेवलपमेंट बजट 309 अरब, इसका नॉन डेवलपमेंट 309 अरब और डेवलपमेंट, ये आप कर ले, इनके पास क्या बच जाते? ये सरासर हवाई बातें हैं जो उन्होंने अपने 2.5 घंटे के तकरीर में कहा, इसमें कोई हकीकत नहीं है। और जब बजट पैसा है नहीं, फिर ये लोगों को वरगला रहा है, खुशनुमा नारे दे रहे, तो मैं समझता हूँ कि ये बजट सरियन ये कानून और आइन के खिलाफ बजट है। क्वेटा में 3 कॉलेज थे पिछले बजट में, अभी उसको ख़त्म किया है, और शेख जायद के लिए 1 अरब, कैंसर हॉस्पिटल के लिए 1 अरब 60 करोड़ रुपए रखे गए थे पिछले बजट में, उसमें 1 रुपए भी खर्च नहीं हुआ है। मतलब आप खुद कितना इफ्तिताह भी उन्होंने क्या बड़े शदुमत के साथ, और अभी उस 1 अरब 60 करोड़ रुपए से 1 पैसा भी उस पर खर्च नहीं हुआ। ये हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन का दोस्तों ने बताया, स्टडी डल आप ऊपर देख रहे हो कि अभी भी हमारे ऊपर घूम रही है। इस स्टडी डल ने हमारे 50-60% फसलात को, खसूसन मेवजात को ख़त्म किया, लेकिन नवंबर से लेकर के आज 8 महीने हो गए, इन्होंने इसको तलब करने की कोई कोशिश नहीं की, और अभी तक वो अंडे पे अंडे दे रही है, अफजाइश पे अफजाइश हो रही है टडी दिल की, और हमारे ज़मींदारी को तबाह और बर्बाद कर रहा है। ये तरक्की होगी, इस तरक्की से हमें हमारे आवाम को तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और ये मैं समझता हूँ गलत बयानियों का पूरा 2.5 घंटे उन्होंने जिक्र किया, सब गलत बयानियाँ थी, और ये गलत बयानियों और आवाम को वरगलाने का ये बजट है जिसको अपोजिशन मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है। हम हाई कोर्ट भी गए हैं, इंशाल्लाह हाई कोर्ट में हमें रिलीफ भी मिलेगा, और आगे हम एहतजाज भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।